के भंगारी नवापारा में टीआरएन के वादा खिलाफी के खिलाफ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने मांग पूरी नहीं होने तक बेमियादी धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। लोगों का आरोप है कि कंपनी ने भूस्वामी हक की जमीन पर जबरन कब्जा कर खरीद के नाम पर धोखाधड़ी की है, जबकि ट्रांसपोर्टरों ने उनकी रकम भी नहीं दी है। लोगों का आरोप है कि कंपनी मनमानी ढंग से राख का ढेर खेतों में डंप कर रही है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और टीआरएन 600 मेगावाट विद्युत पावर प्लांट बना रहा है। वहीं घरघोड़ा तहसीलदार एसजीओपी धर्मजयगढ़ और प्रबंधन लोगों की मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिला रहे हैं। 501,000 धरा दें और वो ठीजा फलाना ठीजा के उसे कह दे के 8-10 साल होगी इसमें जमीन ला लेगी, अब उसकी मेहनत करी से होकर पैसा ला नहीं देगी। मेरा कहना है कि जो इनके ट्रांसपोर्टर हैं, जो इनके ठेकेदार हैं और जो कुछ यहाँ पर ग्रामीण हैं जिन लोगों के द्वारा इनकी जमीन इनको टीआरएन ने ली है, उसके संबंध में हड़ताल की है कि हमको उसका पैसा लुटाना असर नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक कॉन्ट्रेक्टर्स का पैसे की बात है, हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं और फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो सके। काम करने वाले वहाँ टीआरएन में काम कर 25,000 तो महीना भी दो खुद मोला जानो, मगर बाद आज तक एक पैसा नहीं दिन मोला, न कुछ नहीं दिन, न कोई फायदा चली कर दी, लेकिन काम नहीं दिया, कोई काम नहीं दी नहीं आज तक। हम बेरोजगार हैं। यहाँ के युवा आज कंपनी के आसिफ में बैठ के यहाँ ये सोच रही है कि हमारी घर परिवार पोषण यहाँ से होगी। आज टीआरएन जब बैठी थी तो हमको ये आश्वासन था कि हमको यहाँ रोजगार मिलेगा। आज हर युवा जो है बेरोजगार होते हुए गलत रास्तों का धारणा। बल्कि इतना ही कुछ खबरों के लिए देखते रहिए।